हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री। हाल ही में झामुमो नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। झामुमो नेता, झामुमो का फुल फॉर्म क्या हुई? झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न किस किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो चंपई सोरेन सही होगा। दूसरे क्या कि चंपई सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? दूसरा प्रश्न कैसे फ्रेम हो सकता है कि चंपई सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो उनका संबंध झामुमो से है। झामुमो की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। यहां से एक पॉइंट ये भी हमारा क्लियर हो जाता है कि झारखंड के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। चंपई सोरेन राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। यहां से भी ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि चंपई सोरेन झारखंड के डॉट डॉट मुख्यमंत्री बने हैं, तो डॉट डॉट वाली जगह पे हमें 12वें फिल करना होगा। इसी तरह एक बात आपको और क्या बता दें कि झारखंड में चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया है। कांग्रेस नेता आलमगीर खान और राजद नेता सत्यानंद भोक्ता ने भी उनके साथ मंत्री पद की शपथ ली। ये जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं सत्यानंद भोक्ता, ये राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र विधायक विधानसभा में हैं। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए जो है वो 42 सीटें होना आवश्यक है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।